दोस्तों, आप सभी ने सोनी सब टीवी का काफी लोकप्रिय शो कांटेलाल एंड सन्स तो जरूर देखा ही होगा, जो टीवी पर 16 नवंबर 2020 में प्रसारित किया गया था। साथ ही इस कॉमेडी बेस्ड शो की स्टोरी को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया। वहीं अगर बात करें शो में नजर आए कलाकारों की, तो आप सभी ने शो में नजर आई गरिमा को काफी ज्यादा प्यार दिया, साथ ही इनके अभिनय को पसंद किया। लेकिन क्या दोस्तों, आप जानते हैं कि गरिमा का किरदार एक्ट्रेस मेघा चक्रवर्ती से पहले टीवी की 5 पॉपुलर अभिनेत्रियों को ऑफर हुआ था, लेकिन किसी न किसी कारणवश इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को करने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इन अभिनेत्रियों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। 5th नंबर पे है निकिता दत्ता। जी हाँ दोस्तों, 2012 में मिस इंडिया बन चुकी निकिता दत्ता को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने टीवी इंडस्ट्री में कई मोस्ट पॉपुलर शो में अभिनय किया है, जिसमें ड्रीम गर्ल, एक दूजे के वास्ते जैसे कई और भी पॉपुलर शो शामिल है। लेकिन फिलहाल ये टीवी इंडस्ट्री से दूर है, साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू कर चुकी हैं। लेकिन जब इन्हें कांटेलाल एंड सन्स में गरिमा का किरदार ऑफर हुआ, तो उन्होंने इस किरदार को ये कहकर टुकरा दिया कि वह फिलहाल टीवी इंडस्ट्री में वापसी नहीं करना चाहती। 4th नंबर पे है छवि पांडे। एक बूंद एक जैसे पॉपुलर शो का हिस्सा रह चुकी छवि पांडे को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जिन्होंने सिलसिला प्यार का, काला भैरव रहस्य जैसे कई और भी पॉपुलर शो में अभिनय किया है। लेकिन जब इन्हें टीवी शो कांटेलाल एंड सन्स में गरिमा का किरदार ऑफर हुआ, तो इन्होंने ना जाने कि उस किरदार को ठुकरा दिया। 3rd नंबर पे है टीना दत्ता। उत्तरन और डायन जैसे पॉपुलर शो में अभिनय करके फेमस हुई टीना दत्ता को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जो घर घर में इच्छा और जानवी के नाम से मशहूर है। लेकिन जब इन्हें मेकर्स ने गरिमा का किरदार ऑफर किया, तो टीना ने इस किरदार को ये कहकर ठुकरा दिया कि फिलहाल वो टीवी इंडस्ट्री से दूर रहना चाहती हैं। 2nd नंबर पे है कांची सिंह। टीवी इंडस्ट्री की काफ़ी क्यूट और ब्यूटीफुल अदाकारा कांची सिंह को तो आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, जो रिश्ता क्या कहलाता है शो में नजर आ चुकी हैं। लेकिन जब इन्हें शो कांटेलाल एंड सन्स में शो मेकर्स ने गरिमा का किरदार ऑफर किया, तो वह इस किरदार में फिट नहीं हो पाई और यही कारण था कि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1st नंबर पे है दिशा परमार। जी हाँ दोस्तों, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा जैसे कई और भी पॉपुलर शो का हिस्सा रह चुकी दिशा परमार को भी शो कांटेलाल एंड सन्स में गरिमा का किरदार ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें इस शो की स्टोरी पसंद नहीं आई और यही कारण था कि उन्होंने इस किरदार को ठुकरा दिया, जिसके बाद ये किरदार मेघा चक्रवर्ती को ऑफर हुआ, जिसे वो आज बखूबी निभा रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन अभिनेत्रियों ने इस किरदार को ठुकरा कर सही किया है गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।